नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पीठ में खिंचाव होना यानी कि आपने देखा होगा कि कभी एकदम से हमारे पीठ में दर्द हो जाता है और उसे इंग्लिश में मसल स्पाजम कहा जाता है और आप हिंदी में उसे पीठ में खिंचाव होना भी कह सकते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है और अभी अभी दिवाली का समय गया है तो साफ सफाई के चक्कर में बहुत से लोगों को हुआ होगा, आई थिंक सो। तो आखिर ये क्यों हो जाता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ साफ सफाई नहीं, तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके। और इसे आप कैसे ठीक करेंगे तो उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपको पीठ में दर्द हो गया है, एकदम से खिंचाव हो गया है। तो सबसे पहला रीजन आपका हो सकता है कि अगर आप मसल का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपकी डेस्क जॉब है, पूरे दिन आपको लंबे टाइम तक बैठा रहना पड़ता है, या फिर आप ऐसे ही बैठे ही रहते पूरे दिन, यानी कि खराब लाइफस्टाइल है आपकी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको पीठ में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो कई बार क्या होता है कि आप उस पीठ के मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि बैक के मसल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि एथलीट है या फिर आप वजन बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तभी भी आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको चोट लगी है कहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, या फिर आप बहुत ही कम पानी पी रहे हैं और साथ में आपको आपका जो डाइट है उसमें पोटेशियम और कैल्शियम की बहुत कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको पीठ में दर्द यानी कि पीठ में खिंचाव हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, आपको चिंता बहुत ज़्यादा है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस लेने से तो सारी समस्याएं होती है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो स्ट्रेस लेने से नहीं आती, तो स्ट्रेस से तो आपको दूर ही रहना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें सिम्टम्स में आपको पीठ में बहुत तेज दर्द होगा, एकदम से आपको दर्द होने लग जाएगा, साथ में आपको कभी कभार यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको स्टूल की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको नमनेस लगेगी शरीर में, यानी कि शरीर पूरा सुन्न पड़ गया हो, या फिर वो जो पार्ट है वो पार्ट सुन्न पड़ गया हो, ऐसा फील होगा। साथ में आपको हाथ पैर में कमजोरी लगेगी, तो ये सारे लक्षण आपको देखने मिल सकते हैं। तो इसकी कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता देती हूँ जिससे आपको कुछ आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहला नुस्खा है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। तो अगर आपको एकदम से खिंचाव आ गया है तो आप हॉट पैड का इस्तेमाल करें, यानी कि वहाँ पर गर्म सिकाई करें, और एकदम से आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है, यानी कि आप पैड का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर कुछ कपड़ा लपेट दें, उसके ऊपर या फिर टॉवेल लपेट दें और उसके बाद सिकाई करें, नहीं तो आपको बर्न की समस्या भी हो सकती है। और उसके बाद क्या करना है, आपको दो दिन बाद कोल्ड थेरेपी देनी है, यानी कि उसके ऊपर बर्फ की सिकाई करनी है। तो इस तरह से सिकाई करने से आपको ज़रूर आराम मिलेगा। दूसरा देखें तो आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। मेडिसिन्स में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। तीसरा देखें तो आप फिजियोथेरापी ले सकते हैं, यानी कि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर के पास जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आप मसाज करें, अगर आप हल्के हाथों से मसाज करते हैं किसी भी तेल का इस्तेमाल करके, खास करके आप अगर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो अगर आप हल्के हाथों से मसाज करते हैं पीठ पे तो आपको कुछ हद तक तो नहीं, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और लास्ट में आपको बता दूं कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगासन कर सकते हैं आप, व्यायाम कर सकते हैं, और इसमें खास करके अगर आप बालासन करते हैं तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो जो बैक में खिंचाव है, मसल स्पाजम है, वो किसी को भी हो सकता है, पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन आज मैंने पीठ के मसल्स के बारे में स्पेसिफिकली बात की है।
तो अगर आपको ये कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप ये तरीके ज़रूर आजमा सकते हैं और आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।